तो देखिए, दीज आर द फाइव रिजल्ट्स जो आपको याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन में, है ना। पहला हम लोग कहेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, ये क्या होता है। तो हम लोग कॉन्स्टेंट क्वांटिटी के लिए जानते हैं कि अगर कोई भी क्वांटिटी कॉन्स्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम लोग कहेंगे ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, और ये कोई कॉन्स्टेंट हमने सी ले लिया, अच्छा ये निगेटिव कॉन्स्टेंट भी हो सकता था, लेकिन अभी हम लोगों ने सिंप्लिसिटी मेंटेन रखते हुए इसको क्या कह रहे हैं हम लोग कि ये कॉन्स्टेंट पॉजिटिव है। तो हमने कहा कि अगर कॉन्स्टेंट है क्वांटिटी तो ये ना तो इंक्रीज कर रही है और ना ही क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, है ना। ये कॉन्स्टेंट बनी हुई है किसी भी एक्स के लिए, ये कॉन्स्टेंट बनी हुई है। इसका मतलब कि अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग पहले इन्वेस्टिगेट करें डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, अपने को सी कॉन्स्टेंट का निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सोच लेते हैं कि क्या ये क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, नहीं। इसका मतलब क्या ये चेंज कर रही है, नहीं, ना तो ये इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब कि क्वांटिटी में जो चेंज है वो जीरो है, और क्वांटिटी में चेंज अगर जीरो है तो उसका रेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब लॉजिकली इसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि डी बाई डी एक्स जीरो आता है या नहीं आता है यूज करके फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो हम लोग जानते हैं या हम लोगों को पूछा जाएगा। तो हमने कहा कि जो एफ एक्स हो गया यहाँ पे वो क्या हो गया, कॉन्स्टेंट सी हो गया। हमने कहा कि किसी एक्स पे हमने देखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, सी आ रही थी, सी हाइट थी। हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे देखते हैं, एक्स प्लस एच पे। इसका मतलब कि अगर हम ये एच एड अप कर दें, है ना, तो ये क्या हो गया, ये एक्स प्लस एच हो गया। तो यहां भी क्वांटिटी क्या है, सी ही है, वो चेंज तो हो नहीं रहा है। तो हम कहें किसी एक्स पे देखें वो सी ही बना रहेगा। तो हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ सी को तो हमने एफ एक्स मान लिया है, एफ एक्स हो गया। और इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो सी माइनस सी अपॉन क्या हो गया, एच हो गया। और सी माइनस सी क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो अपॉन एच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो जो न्यूमरेटर आ रहा है वो एग्जैक्ट जीरो है, और जो नीचे वाला एच है वो अप्रोचिंग टू जीरो, लिमिटिंग वैल्यूज की जीरो है। तो इसे हम इनडिटर्मिनेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि ऊपर एग्जैक्ट जीरो है और नीचे टेंडिंग टू जीरो है। टेंडिंग जीरो का मतलब कि ये क्वांटिटी जीरो के क्लोज है लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट सी ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। ये रिजल्ट आपको एकदम याद होना चाहिए। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कि क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है तो रेट उसका क्या होगा, रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो होगा। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस यहां से हम लोगों ने बता दिया। और ज्योमेट्रिकल इंप्लीकेशन, अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करें इसका, तो हम कहेंगे कि जो ये लाइन है, या ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ना, हम लोग कहेंगे कि ये जो लाइन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अगर हॉरिजॉन्टल है तो इसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, जीरो डिग्री हो जाएगा। और कोई लाइन का इंक्लिनेशन जीरो डिग्री है तो उसका स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, मतलब टेन जीरो, तो क्या हो जाएगा, टेन जीरो जीरो होता है। इसका मतलब डी बाई डी एक्स स्लोप को बताता है, लिखवाए थे ना ज्योमेट्रिकल, मतलब वो क्या बताएगा, जीरो। ये बात समझ में आया ना, क्योंकि ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, इसका स्लोप जीरो है। तो अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल मतलब देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ सी, कर्व सी का स्लोप जीरो है, यहां समझ में आ रहा है। फिजिक्स की भाषा में सोचे तो रेट चेंज नहीं हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, जीरो हो गया। मैथमेटिक्स की भाषा में देखें तो ये देखना पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लो। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करना है ना, कि ये कितना होता है, ये मेरा सेकेंड रिजल्ट होगा। तो हम लोग कहेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स,
dy dx of x. इसका मतलब कि fx क्या हो गया, यहां पे जो fx हमें दिख रहा है वो x है, ठीक। fx y होता है, y कहे या fx कहे बात बराबर है। तो अगर हम इसको कर्व के टर्म में देखें तो ये y equals to x है, और y equals to x का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। जिनने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन होगा और पासिंग थ्रू द क्या होगा, ओरिजिन होगा, और वो x एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाएगा, या यूं कहे कि इसका जो स्लोप होगा वो 1 होगा। किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। m हमें क्या दिख रहा है, m हमें दिख रहा है 1, और कांस्टेंट c क्या दिख रहा है, जो y एक्सिस इंटरसेप्ट है वो 0 दिख रहा है। इंटरसेप्ट y एक्सिस इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब कि वो ओरिजिन से होके जाएगी, और m 1 होने का मतलब कि इस लाइन का जो स्लोप है वो 1 है, और स्लोप 1 होने का मतलब जो इंक्लिनेशन है वो 45 डिग्री है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, पहली बात, स्लोप 1 है दूसरी बात, इंक्लिनेशन 45 डिग्री है तीसरी बात, और चौथी बात क्या हो गई कि ये ओरिजिन से होके जाएगी। ये बात समझ आ गया ना। अब हमें dy by dx क्या देता है, किसी कर्व के स्लोप के बारे में बताता है, वो तो 1 आना चाहिए क्योंकि d by dx ऑफ इस कर्व का चाहिए, मतलब स्लोप चाहिए, क्या आएगा 1। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि स्लोप क्या दे रहा है, d by dx ऑफ क्या x, ये बताता है स्लोप को, और स्लोप कितना है 1 है। इसका मतलब d by dx ऑफ x क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं इसको किससे, और फिजिक्स में अगर सोचे हम लोग तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, लीनियरली वेरी कर रही है ना। y को अगर डबल करेंगे या x को डबल करेंगे तो y भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, लीनियर रिलेशनशिप है। इसका मतलब रेट कांस्टेंट रहेगा, ये बात समझ में आया ना, क्योंकि लीनियर वेरिएशन है। अब देख लीजिए यहाँ पे मैथ की भाषा में, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे, तो जहां x लिखा हुआ है वहां x प्लस एच लिख दीजिए। अब d by dx ऑफ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन क्या है कि दैट इज लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन क्या होता है, h होता है। अब लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो क्या है, एफ एक्स प्लस एच, ये सिंपली x प्लस एच है, और माइनस क्या हो गया, x अपॉन क्या हो गया, h, x x कट गया, अब क्या बचा, h अपॉन h, काट देंगे 1 आएगा, h बचा नहीं प्लेस करने के लिए, तो लिमिट भी अपने आप गायब हो जाएगी, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, चाहे आप मैथमेटिक्स की भाषा में पढ़िए इसको रिजल्ट को, चाहे आप फिजिक्स की भाषा में पढ़िए रिजल्ट को, चाहे आप स्लोप ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका पढ़िए, तीनों तरह से क्या दिख रहा है, ये इसका स्लोप या dy by dx of x क्या होता है, 1 होता है। नोट करिए, अब देखिए तीसरा रिजल्ट, मान लीजिए हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं d by dx of हमारा क्या है, d by dx of e की पावर x है, ठीक है, तो d by dx of e की पावर x, इसका मतलब कि यहाँ पे fx क्या दे रखा है, e की पावर x दे रखा है। अगर हम fx वर्सेस x ग्राफ स्केच करें तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बताता है कि क्वांटिटी क्या करेगी, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बताता है। इसका मतलब ये क्वांटिटी कभी भी निगेटिव नहीं होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो इस तरह से वो इंक्रीज करती चली जाएगी रैपिडली, बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, और ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, 0,1 हो जाएगा, और ये ग्राफ हो गया y equals to e की पावर x का ग्राफ हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, जो इंक्लिनेशन साफ साफ दिख रहा है कि हमारा हाथ जो है x एक्सिस से ज्यादा इंक्लाइंड होता चला जा रहा है, इंक्लिनेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्लोप कांस्टेंट नहीं है। जैसे पहले रिजल्ट में हमने देखा था स्लोप फिक्स था, जीरो था, दूसरे केस में क्या था, स्लोप 1 था,
लेकिन इस तीसरे केस में स्लोप कांस्टेंट नहीं है। ये बात समझ में आया ना? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि स्लोप इंक्रीज करने वाला है। ये बात समझ में आ गया ना? क्वांटिटी रैपिडली इंक्रीज कर रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। अब यहाँ पे हम फिजिक्स लगा देंगे, फिर अरे मैथ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये क्या हो जाएगा? ई की पावर, जहां एक्स है एक्स प्लस क्या लिख दे, एच लिख दे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? दिस कुड बी रिटन एज ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर क्या लिख सकते हैं? एच लिख सकते हैं। अब हम लगा देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डेफिनेशन, e की पावर x अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, डायरेक्ट लिख देना है ना, डेफिनेशन इस बार नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग जब भी एग्जाम में करेगा तो लिखिएगा। एफ एक्स प्लस एच हो गया और माइनस एफ एक्स अपॉन क्या हो गया, एच हो गया। क्या कॉमन होता हुआ दिख रहा है? e की पावर x, और ये लिमिट h को वेरिएबल समझती है और बाकी सारे जितने भी हमारे पास अल्फावेट्स है उन्हें कांस्टेंट समझती है। तो e की पावर x को कांस्टेंट समझेगी, बाहर आ जाएगा। तो e की पावर x बाहर आ गया और लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो e की पावर h माइनस वन अपॉन क्या हो गया, h। और ये हमने स्टैंडर्ड लिमिट बताई थी, इसकी वैल्यू वन होती है। अब वो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया? e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो एक ये ऐसा फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए तब भी वही आएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए तब भी वही आएगा, है ना? हाँ। अब देखिए आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ, हम कहेंगे ये हमारा फोर्थ रिजल्ट, हम इसको एज्यूम करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ अब क्या हो गया, रूट एक्स हो गया। अब यहाँ पे हमारे लिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और एफ एक्स को हम लोग क्या जानते हैं, वाई जानते हैं, तो वाई हो गया रूट एक्स, स्क्वायरिंग कर दीजिए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। अब ये हो गया पैराबोला, है ना, जिसमें एक्स एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स टाइप का हो गया। तो अगर हम लोग इसको स्केच करें तो पैराबोला का एक ये ब्रांच हो गया और एक नीचे वाला ब्रांच होगा, लेकिन नीचे वाला हम डॉटेड ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लस वाली ब्रांच है, माइनस वाली नहीं है। माइनस वाली होती तब हम नीचे वाला ड्रॉ करते, क्योंकि इस पैराबोला में दोनों ब्रांच आ गई। जब स्क्वायर किए थे तो जाने अनजाने में हम इस सिस्टम को भी इन्वाइट कर दिए, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा ना। तो जाने अनजाने में जब हमने स्क्वायरिंग किया तो ये चुपके से ये भी सिस्टम इसके अंदर घुस गया और इसके अंदर ये भी ब्रांच होगा, लेकिन अपनी सूझबूझ से हमने उसको किनारे रखा। हमने कहा कि हमारी इसके लिए कौन सी ब्रांच होगी, सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच होगी। ये बात समझ आया ना? तो स्क्वायरिंग के सारी दिक्कतें होती हैं, तो हमेशा ध्यान रहे कि जब स्क्वायरिंग करने जाते हो तो एक्स्ट्रा सिस्टम घुसता है कई बार। अब यहां पे अगर हम बात करें तो बताइए स्लोप क्या कर रहा है, ये पैराबोलिक कर्व है तो स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये बात समझ आया ना? स्लोप क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा जैसे जैसे हम एक्स बढ़ाएंगे। ठीक, बस ये चीजें हमें बस यहाँ पे पता चल पा रही हैं, लेकिन वो कितना होगा वो मैथमेटिक्स बताएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। इसका मतलब कि जो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ये लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस एच और माइनस रूट एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब देखो इसके लिए हमने कहा था कि आप रेशनलाइज कर लीजिए, ये सवाल हम करा चुके हैं क्लास में, है ना? तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट रेशनलाइज करके लिख दे रहे हैं ना, और आप करके देख लोगे, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा और नीचे h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h और माइनस प्लस का अंडर रूट x होगा, क्योंकि इसी से हमने नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया था। x x कटा, अब किसकी बारी है, yes. h के कटने की, h भी कट गया है, अब क्या बच गया वन अपॉन, अब h को हम जीरो अगर प्लेस कर दें तो ये इनडिटर्मिनेंट नहीं है, जो यहां पे क्या था, इनडिटर्मिनेंट था। h अगर हम जीरो रख दें यहाँ पे
तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स जीरो हो जाएगा, और नीचे भी जीरो है तो ऊपर भी अप्रोचिंग टू जीरो, नीचे भी अप्रोचिंग टू जीरो, तो यहाँ इनडिटर्मिनेंट था। यही वजह है कि हमें लिमिट को रेशनलाइज करना पड़ा इनडिटर्मिनेंसी रिमूव करने के लिए। इसका मतलब जब हमने रिमूव कर दिया तो अब एच जीरो प्लेस कर देंगे तो ये क्या आता हुआ दिख रहा है, वन अपॉन टू रूट एक्स आता हुआ दिख रहा है। तो ये एकदम आपको याद रखना चाहिए, अगर कोई पूछ दे नींद में पूछ दे कि वन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, तो आप कहोगे वन बाई टू रूट एक्स। ठीक, तो दैट इज इक्वल टू वन बाई टू रूट एक्स। अब देखिए आपके पास ये पांचवा रिजल्ट है, ठीक है, जो आपको क्या करना है, d by dx of 1 by x निकालना है, d by dx of 1 by x। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे लिए fx जो हो गया वो क्या हो गया, 1 by x हो गया। अगर इसके वेरिएशन प्लॉट करने की बात करी जाए तो प्लॉटिंग भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, बाद में आप देखोगे मैथ में भी इंपॉर्टेंस रहेगी जब एरिया अंडर द कर्व पढ़ोगे आप ट्वेल्थ में। अब ट्वेल्थ कितना दिन रह गया है ना, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि 1 बाई एक्स का मतलब होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये दोनों एक्सिस को टच करने की कोशिश करता है लेकिन किसी को टच नहीं कर पाता है, इसे कहते हैं एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। ये एसिम्प्टोट की तरह दोनों काम करेंगे लाइंस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये किसी को टच नहीं कर पाएगा। अब देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या होता चला जा रहा है, स्लोप डिक्लाइन होता हुआ चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, एक समय आके फ्लैट हो जाएगा इंफिनिटी पे जाके, है ना, तो स्लोप डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन ये फिजिकल बिहेवियर है उसका। ठीक है, फिजिकल कोई क्वांटिटी वेरी करती है तब, जैसे आइसोथर्मल कर्व में था, याद है क्या करते थे हम लोग, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट समझते थे, एनआरटी फिक्स था कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के लिए, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो ये ऐसा ही बिहेवियर है। ये बात समझ में आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि इसी तरह से हम कर्व ड्रा करते थे जिसे आइसोथर्म कहते थे, एरिया अंडर द कर्व क्या देता था, वर्डन देता था। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो अब क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, वन अपॉन जहां एक्स रखा हुआ है वो एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब लिमिट डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस क्या हो जाएगा, एफ एक्स मतलब वन बाई एक्स होल अपॉन क्या हो गया, एच हो गया। अब यहां बस एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एक्स माइनस एक्स और माइनस एच, ये समझ आया कि नहीं आया, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच इंटू एक्स हो गया। ठीक है, ये यहां चला आया और ये कहां चला आया, यहां चला आया। ठीक है, हाँ कटेगा अभी, तो ये क्या हो गया, x x कट गया और कोई कटा, एच भी कट गया है, अब एच भी कट गया, अब सिर्फ माइनस वन बचा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में एच अगर जीरो प्लेस कर दें तो ये इनडिटर्मिनेंसी तो रिमूव मतलब आ नहीं रही है, इसका मतलब ये फाइनाइट लिमिट है, एच जीरो प्लेस किया जा सकता है तो कर देते हैं यहीं पे, तो क्या हो जाएगा, दैट बिकम माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये याद होना चाहिए कि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आपकी जिंदगी में इतनी फ्रिक्वेंटली आएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कब आएगी, है ना, तो तुरंत ही काउंटर करना पड़ेगा इनको। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये पांच चीजें हैं, d बाई डी एक्स ऑफ कुछ कॉन्स्टेंट c टाइम्स एफ एक्स आपके पास है, सी पहला समस्या है कि इसको कैसे डील किया जाए। उससे पहले हम लोग कुछ चीजें एज्यूम कर लेते हैं कि लेट जो d by dx of fx है इसे हम क्या लिखेंगे, fx को लिखेंगे लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो f of x plus h minus fx अपॉन क्या हो जाएगा, h। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, d by dx of, अच्छा gx भी यही लिख देते हैं, d by dx of gx ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो g of x plus h minus gx अपॉन क्या हो गया, h हो गया। अब देखिए अब काउंटर करते हैं, दो रिजल्ट हम जब चाहे तब इस्तेमाल कर ले क्योंकि डेफिनेशन ही है ये, है ना, तो d by dx of हमने कहा कि मुझे नहीं पता c का क्या करेंगे, अब ये हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछते हैं,
तो हम कहेंगे कि ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो c टाइम्स, क्या हो जाएगा x की जगह पे x प्लस एच रख दिया, तो ये क्या हो गया एफ एक्स प्लस एच हो गया, है ना, और माइनस एफ एक्स, एफ एक्स मतलब c टाइम्स क्या हो गया एफ एक्स हो गया, होल अपॉन क्या आ गया एच आ गया। अब बताइए c, अब तो ये एलजेब्रा है सिंपल क्लास 8th 7th की, तो इसमें तो c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, c कॉमन हो जाएगा, और c को क्या ये लिमिट वेरिएबल समझता है? नहीं, ये सिर्फ h को वेरिएबल समझता है और बाकी किसी को वेरिएबल नहीं समझता है, तो c सबसे बाहर आ जाएगा, एकदम बाहर का टिकट मिलेगा इसको, चलो बाहर जाओ, h अप्रोचिंग टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन क्या हो जाएगा h। अब ये बताइए ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है d by dx of fx, देखिए यही तो है, तो इसको हम क्या लिख देंगे d by dx of fx। इसका मतलब ये हुआ कि इसको एक लाइन में सोचा जाए, तो जब भी डेरिवेटिव निकालते हो किसी कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन का तो कांस्टेंट कॉमन आ जाता है, बाहर आ जाता है, या उसका हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं देखते हैं, ये बात समझ आया ना, तो कांस्टेंट ऑलवेज क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा पॉसिबल। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर दो फंक्शंस सम में है, है ना, प्लस है, तब हम क्या करेंगे, तो हम लोग पूरा मिटा दिए कोई बात नहीं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ हमारे पास एफ एक्स और प्लस क्या है जी एक्स है। अच्छा अगर मान लीजिए ये कोई एक सिंगल फंक्शन एच एक्स होता, सपोज इसका नाम हम रख दिए सिर्फ फाइव एक्स रख दे रहे हैं, नाम में क्या रखा है फाइव एक्स रख दे रहे हैं, ये क्या हो गया एफ एक्स और प्लस क्या हो गया जी एक्स हो गया, तो बताइए फाइव एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां क्या रख दे एक्स प्लस एच रख दे, जी ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, फाइव एक्स कह ले, है ना, अगर फाइव एक्स हम मान ले रहे हैं उसको, फाइव एक्स माने हैं, तो क्या कहेंगे हम लोग कि लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो क्या हो जाएगा फाइव एक्स प्लस एच माइनस फाइव एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अब फाइव एक्स प्लस एच क्या दिख रहा है, दोनों में एक्स प्लस एच हो गया है, तो हम इसको लिख लेंगे लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस का क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और प्लस जी ऑफ एक्स हो जाएगा, होल अपॉन एच हो जाएगा। रही बात अरेंज करने की, तो इसको इसको साथ में रख लेते हैं हम लोग और अपॉन एच कर लेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन क्या हो जाएगा h। उसके बाद इसको और इसको साथ में रख लें, ये बात समझ आया ना, और ये प्लस तो रहेगा ही बीच में प्लस, अब लिमिट अलग अलग कर लिए हम, लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो इसकी डीलिंग अलग है, तो g ऑफ x प्लस h और माइनस gx अपॉन क्या हो गया h हो गया। अब ये बताइए ये किसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, d by dx of fx का है, और वो किसका है d by dx of gx का है, इसका मतलब कि जो d by dx of क्या था fx plus gx था वो क्या हो गया d by dx of fx और plus क्या हो गया d by dx of gx हो गया। इसका मतलब कि सम को डिफरेंशिएट करिए या पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए फिर सम करिए, दोनों आंसर क्या होते हैं सेम होते हैं, नोट करो। तो देखिए यहां पे जो d by dx हम लोगों ने किया था fx plus gx, फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो दोनों के लिए रिजल्ट सिमिलर होता है कि d by dx ऑफ fx और प्लस d by dx क्या हो जाएगा gx, और यहां पे भी क्या हो जाएगा d by dx ऑफ fx और माइनस d by dx क्या हो जाएगा gx, तो प्लस और माइनस के लिए तो सिमिलर रिजल्ट है, उसी तरह से प्रूफ कर लोगे माइनस के लिए, कोई नया चीज नहीं करना है, लेकिन डिवीजन के लिए
रूल बदल जाएगा। ठीक है, यहां पे पहली बात याद रखनी कि क्या नहीं करेंगे, है ना, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि d by dx ऑफ fx और इंटू d by dx ऑफ gx ये नहीं करेंगे। ये बात समझ आया ना, ये हम नहीं करेंगे अगर फंक्शन प्रोडक्ट में है तब। अब क्या करेंगे इसके लिए, रूल हम लोग पहले डिराइव कर लेते हैं, बाद में उसे याद रखेंगे। तो हम कहेंगे कि d by dx ऑफ fx इंटू gx है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि d by dx ऑफ fx प्लस h और gx प्लस h, है ना, और माइनस क्या लिखे fx इंटू gx अपॉन क्या हो गया h हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा जंप किया तो एक बार फिर से बता दीजिए। यहां पे क्या किया हमने, यहां पे ये fx था तो क्या लिखते थे fx प्लस h, है ना, तो यहां पे क्या लिखा है x को x प्लस h लिख दिया है और वहां सिंपल वाला है fx है। ये बात समझ में आया ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको देखेंगे कि कैसे इस लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ चलेगा जुगाड़, है ना, तो देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें कुछ कर लेते हैं। तो हमने कहा कि दैट कुड बी रिटेन एज ए, अंदर एडजस्ट कर रहे हैं ना, अरे ये लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो लिखना, क्या लिख रहे हैं हम, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो। और अंदर देखिए ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच और जी ऑफ एक्स प्लस एच तो आपके पास है ही, आपने क्या किया कि इसमें घटा दिया, क्या घटाया एफ एक्स और जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये क्वांटिटी अपनी तरफ से आपने एडजस्ट कर लिया। अब इसके पीछे सोचिए मनसा क्या था, मनसा ये था कि ऐसा कर लेंगे तो जी एक्स प्लस एच कॉमन हो जाएगा, है ना, और अंदर जो बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स बचेगा, और नीचे एच तो है ही है तो वो डेरिवेटिव हो जाएगा एफ एक्स का, है ना, तो ये मनसा था, ये सब्ट्रैक्ट तो ऐड भी करेंगे ताकि क्वांटिटी चेंज ना हो, तो हम ऐड भी कर लेंगे इतना प्लस का एफ एक्स और जी ऑफ एक्स प्लस एच, और ये तो था ही, माइनस का क्या एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये बात समझ आया, और होल अपॉन एच। अब देखिए इतना पार्ट आप अलग कर लोगे, क्या कॉमन करते हुए जी एक्स प्लस एच कॉमन करते हुए, तो अंदर क्या दिख रहा है, अंदर हो गया आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो गया अपॉन एच हो गया इंटू हम क्या लिख दें जी एक्स प्लस एच लिख दें, लेकिन ये लिमिट अंदर ले जाएंगे तो एक लिमिट इसके ऊपर चली जाएगी क्योंकि ये कैलकुलेटिव हो गई डेरिवेटिव है, और एक लिमिट हम इसके ऊपर ले आएंगे, लिमिट एच अप्रोचिंग टू क्या हो गया जीरो, ये अलग कैलकुलेटिव लिमिट, तो इसके दो सेक्शन कर लिए हमने, एक ये हो गया और एक ये हो गया, उसका हिसाब किताब बाकी है अभी। तो क्या करें हम लोग, प्लस का क्या लिख लेंगे, यहां से क्या कॉमन होता हुआ दिख रहा है एफ एक्स कॉमन होता हुआ दिख रहा है, तो एफ एक्स कॉमन कर लिया, अंदर क्या बच गया जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन क्या कर लिया एच, और लिमिट क्या हो गया एच अप्रोचिंग टू जीरो। समझ आया, अब सिंपल है ये चीज, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये d by dx ऑफ क्या है बोलो, d by dx ऑफ fx है, fx plus h minus fx upon h, और यहां पे h जीरो प्लेस कर दें कैलकुलेटिव है ये gx आ जाएगा, तो क्या दिख गया gx और d by dx ऑफ क्या हो गया fx हो गया, और प्लस का अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये क्या है fx पहले लिख ले और फिर क्या है d by dx ऑफ gx, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। अगर फंक्शन प्रोडक्ट में है तो हम लोग क्या करते हैं ये प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ठीक, इसे याद कैसे रखते हैं, ये मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन है, ये मान लीजिए सेकेंड फंक्शन है, ठीक है, तो याद कैसे रखते हैं इसको, या ठीक है याद ऐसे रखेंगे कि एक फंक्शन को एट ए टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, एक लॉजिक हो गई, दूसरा हम लोग कहेंगे ये क्या सेकेंड d by dx ऑफ फर्स्ट और प्लस फर्स्ट और d by dx ऑफ क्या लिखेंगे सेकेंड, ऐसे याद रखेंगे d by dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा
सेकेंड डिवाइड डीएक्स ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिवाइड डीएक्स ऑफ सेकेंड। पॉसिबल ठीक। अब देखिए आपके पास आपने ये देख लिया कि अगर कांस्टेंट फंक्शन फंक्शन के साथ हो तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, सम या डिफरेंस में फंक्शन हो तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये प्रॉपर्टी कही जाती है कि जो डी बाई डी एक्स है ये लीनियर ऑपरेटर है। ये बात समझ में आया ना, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऑपरेटर्स नॉन लीनियर भी होते हैं। जैसे आप कह सकते हो साइन, साइन एक नॉन लीनियर ऑपरेटर है। साइन ए प्लस बी कभी भी साइन ए और प्लस साइन बी नहीं होता है। इसका मतलब कि जो ये ऑपरेटर है ये लीनियर नहीं है, लेकिन डी बाई डी एक्स क्या है, लीनियर है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, अलग अलग लोगों को ऑपरेट कर लेता है, लेकिन फंक्शन प्लस या माइनस में होने चाहिए। प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट डिवाइड डीएक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डिवाइड डीएक्स फर्स्ट। लेकिन अब डिवीजन में है तब क्या करेंगे हम लोग, तब कहेंगे अगर डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो आप लिखने का तरीका सीखो, कभी फॉर्मूले मत याद रखो, है ना, लिखते कैसे है, राइटिंग स्किल आपकी होनी चाहिए। जो सेकेंड है उसका स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, और फिर सेकेंड छोड़ दिया। डी बाई डी एक्स क्या करेंगे, जो बचा हुआ है फर्स्ट, और फिर यहां माइनस आएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट को छोड़िए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉर्न, बहुत आराम कर लिया जी, डिफरेंशिएट कर, ये रूल हो गया। तो दैट इज कॉल्ड द डिवीजन रूल। लिखने का तरीका होना जैसे हम लिख रहे हैं वैसे याद रखिए आप, कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जी एक्स का स्क्वायर, फिर जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक, पॉज कर।